हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस देखिए, कंटिन्यू मैं इन स्टॉक्स पे वीडियो बनाता हूँ जिसपे मैं आज बात करूंगा, और मेरे पास कमेंट्स आते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना तीनों को कंबाइन करके एक ही वीडियो में तीनों के बारे में बात कर लिया जाए। इससे क्या होगा कि सारे व्यूअर्स को एक साथ आंसर मिल जाएगा, उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस जो मैं पढ़ता हूं वो आपको रिप्लाई दूं। तो मैं आज किसके बारे में बात करने वाला हूं, पहला HDFC बैंक, दूसरा एक्सिस बैंक और तीसरा ICICI बैंक। इन तीनों में से अगर आपकी पोर्टफोलियो में कोई सी भी बैंक है तो आपके लिए मेरी क्या राय है, और नहीं है तो कौन सा बेस्ट हो सकता है स्टॉक खरीदने के लिए, इसके बारे में बात करूंगा। लेवल्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लॉन्ग टर्म का व्यू होगा तो टारगेट शेयर करेंगे, और शॉर्ट टर्म का होगा तो टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों सजेस्ट करूंगा आप सभी के साथ। तो चलिए गाइस एक-एक करके तीनों स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए समझ आए तो यार प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं HDFC बैंक के स्टॉक को लेकर। तो देखिए HDFC बैंक में मार्केट की तेजी में आज के सेशन में बिल्कुल फ्लैट कारोबार, कोई तेजी नहीं है। 1306 रुपीस के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 55 लाख शेयर्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं और 1.2 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम है एवरेज, यानी कि वॉल्यूम के मुकाबले काफी ज्यादा कम शेयर्स ट्रेड हुए हैं। 1:36 का समय हो रहा है। देखा जाए तो आज बैंक निफ्टी में शानदार तेजी है और निफ्टी में भी शानदार तेजी आप सभी देख रहे हैं, पूरी मार्केट रॉकेट हुई बड़ी है और ये स्टॉक नहीं चल के दे रहा है। अभी मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। मैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू विप्रो और इंफोसिस पे वीडियो बना रहा हूं, जहां मैं आपको पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए बार बार कह रहा हूं स्टॉक नहीं चल रहे। आज आप देखिए HCL टेक रॉकेट हुआ पड़ा है, 3% के ऊपर है, विप्रो में भी तेजी है, एंड इंफोसिस भी आपको हर निशान में दिख रहा है। तो आपको या मुझको ये नहीं पता कौन सा स्टॉक कितना गिरेगा, लेकिन आपको और मुझको ये जरूर पता है ये क्वालिटी स्टॉक है, ये इतना करेक्ट हो गया, ये मुझे इस लेवल पे जरूर मिलेगा अगर मैं अपना टाइम फ्रेम ये रखूं तो। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये स्टॉक आज नहीं चल रहा। हो सकता है आज आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, गुस्सा भी आ रहा हो आपको, यार मार्केट चल गई तब भी स्टॉक नहीं चल रहा, इस तरीके का मेंटेलिटी हो सकती हो रही हो, बट मैं आपसे कहूंगा टाइम दे दीजिए बस। हो सकता है किसी दिन मार्केट गिरे, ये स्टॉक आपको पॉजिटिव देखे, हो सकता है कल के सेशन में ही ऐसा हो जाए, हो सकता है कल यही स्टॉक चले बाकी स्टॉक ना चले, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली है तो मार्केट से प्रोपोर्शनली इक्वल टू सब कुछ इक्वली इक्वल काम करते हैं ना। तो HDFC बैंक स्टॉक खराब नहीं है, मैनेजमेंट खराब नहीं है, फंडामेंटल्स खराब नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है यार, डरने और घबराने वाली बात है नहीं। मैं इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए आपको बताऊं तो शॉर्ट टर्म में आपका जो SL है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी स्टॉक नेगेटिव ब्रेकडाउन के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन मार्केट की गिरावट में मैं ब्रेकडाउन नहीं मानता हूं, ना ही मार्केट की तेजी में ब्रेकआउट मानता हूं, क्योंकि वो मार्केट स्पेसिफिक होता है। लेकिन आज जो तेजी आई है उसमें भी स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये थोड़ी टेंशन वाली बात है, इसलिए मैं आपसे ट्रेडिंग के रूप में इसे अवॉइड करने के लिए कहूंगा। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप अगले 2 साल तक होल्ड कर सकते हो, फिर मैं आपको राय देना पसंद करूंगा, और मेरा जो आपके लिए राय होगी उसमें SL नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टॉक आपको रिटर्न बना के देगा, ये स्टॉक आज से 5 साल से रिटर्न बना के दे रहा है। देखिए इतनी बड़ी कुछ उल्टा सीधा हो गया, लेकिन 5 साल में अभी भी स्टॉक पॉजिटिव और 67% के रिटर्न है। 10 साल का चार्ट खोल के देखूं तो आज भी स्टॉक ने आपको 422% के रिटर्न दिया, और पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस आई नहीं है तब। ऊपर से स्टॉक लगभग 30% 25% करेक्ट हो चुका है। अब एक लार्ज कैप ब्लू चिप जो म्यूचुअल फंड का कहीं ना कहीं हिस्सा रहता है, हमेशा म्यूचुअल फंड इसमें हमेशा पार्टिसिपेशन एक्शन रखते हैं, तो इसको बाय करके चलना चाहिए। काफी ज्यादा HDFC ने टाइम खींच लिया है, क्योंकि इस स्टॉक पे लोग काफी ज्यादा पैनिक में है, इसलिए मैंने ज्यादा बात करी है। मेरा व्यू इस स्टॉक पे अगले 2 साल के लिए मिनिमम 1900 का टारगेट होगा, बाय की रिकमेंडेशन होगी। बड़ा पैसा बनाना है तो गिरावट में खरीदना सीखना होगा, और आप मेरे पे ट्रस्ट रखिए, बिलीव करिए, मैं फर्स्ट टाइम कह रहा हूं कि आप मेरे लिए खरीदिए शेयर, मींस आप मेरे भरोसे से खरीदिए केवल ये शेयर, आप पैसा बनाओगे। आप भी यही हूं, मैं भी यही हूं, स्टॉक गिरेगा आप जब कमेंट करोगे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा यार बोल के चला गया बंदा, ऐसा नहीं होगा, खरीदिए। लेकिन आपका टाइम फ्रेम 2 साल का हो, 1 साल प्लस हो, ऐसा नहीं कि आज खरीद के आप 2 दिन बाद स्टॉक गिर रहा है तो आप मुझसे बोलो यार कि आगे गिरवा दिए, ऐसा नहीं, आप टाइम फ्रेम बढ़ा करिए, ठीक है। 1900 के टारगेट के लिए स्टॉक में बाय की रिकमेंडेशन है, एक साथ नहीं पैसा लगाना है, धीरे 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 करके लगाना है, हर गिरावट में खरीदना है और ऊपर में भी खरीदना है। अगर स्टॉक आपके खरीदना बढ़ रहा है तो ऊपर जा रहा है तब भी खरीदना है, लेवल्स के देखते हुए, ठीक है।
अब दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक, जो मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं कि एचडीएफसी बैंक से ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको इस साल आईसीआईसीआई बैंक में आती हुई दिखेगी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का कहीं ना कहीं आईटी डिपार्टमेंट थोड़े बैकफुट पे एज कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो शानदार तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 4% की तेजी है स्टॉक में, 3.5% ऊपर है, 23-24 रुपए पॉजिटिव है, 707 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 83 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं और डे हाई के पास ही खड़ा है। स्टॉक ने अपने लोअर लेवल जो लास्ट टाइम बनाए मार्च 6 में 653 के, उसके ऊपर से ही रिबाउंड आ गया है। स्टॉक में देखा जाए तो 715-720 के पास एक रेजिस्टेंस है, वो पार होने के बाद ही इसमें आप अगर ट्रेडर हो इसमें व्यू है, 715 के ऊपर जैसे ही निकलता है स्टॉक में बाय की रिकमेंडेशन है, 710 रुपीज के एसएल के साथ आपका टारगेट होगा 725 रुपीज का। अब बात करते हैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए और मैं आपको बता रहा हूं मिनिमम 1000 रुपए के टारगेट के लिए बाय करिए एक साल के अंदर अंदर, और ये आपको स्क्रीन पे आते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी इस साल आउट परफॉर्मेंस देगी एज कंपेयर टू निफ्टी, इसलिए आपको आईसीआईसीआई बैंक खरीदना चाहिए। रीजंस देता हूं, म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा इस बार जो बाइंग है वो पूरे प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक में है। सबसे ज्यादा पिक कर रहे हैं वो आईसीआईसीआई बैंक को, एफआईआई सबसे ज्यादा पिक कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक को, और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आ रहे हैं सुपर, तो यहां पे आप बाय करके देख सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, जहां पे सारे स्टॉक बैंकिंग में एक साल में नेगेटिव रिटर्न है वहीं ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है। पिछले दो साल के रिटर्न देखोगे तो 136% के, और एक साल में भी 13-17% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ स्टॉक ट्रेड करता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले एक से दो साल के लिए ये स्टॉक एचडीएफसी की परफॉर्मेंस को, एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस को बीट करेगा और यहां पे आपको फोकस होना चाहिए, बाय की रिकमेंडेशन है। अगर आप एक एसएल पूछे तो 680 का आपके लिए ट्रेडर के लिए एसएल होगा, ठीक है। अभी मैं फोर्थ स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें तो 2% की तेजी है, इसके म्यूचुअल फंड के कारोबार में कुछ प्रॉब्लम आई जिसके बाद स्टॉक में बड़ी करेक्शन देखने को मिली, स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया, अराउंड 650 का जो लेवल था वो ब्रेक डाउन हुआ, 630 तक गया, बट फिर वही सिनेरियो में बताता हूं आपको कि मार्केट की गिरावट में अगर स्टॉक गिरता है तो मैं उसे ब्रेक डाउन नहीं मानता हूं। दोबारा 650 के ऊपर आया, 660 के जैसे ही ऊपर निकलेगा स्टॉक ट्रेडर के लिए बाय बनेगा, और उसके बाद जो टारगेट आएंगे 665 के ऊपर निकलते ही 700-695 रुपीज के लेवल्स के लिए आपको बाय करना है 655 के एसएल के साथ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इस स्टॉक में ब्रेक डाउन हुआ है, हालांकि 600-580 पे बड़ा सपोर्ट है, अगर स्टॉक नीचे जाए तो आपको एक्यूमुलेट करना है, और आपको ये बैंक भी मैं तीनों बैंक पे पॉजिटिव हूं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से। सबसे ज्यादा अगर मेरे से पूछोगे तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक्सिस बैंक के बारे में बात कर ले। एक्सिस बैंक में आपको मैंने शॉर्ट टर्म और ट्रेडर के लिए राय दे दी है, 665 के ऊपर ही बाय करना है, 695 और 700 के टारगेट के लिए 655 के एसएल से। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एक्सिस बैंक में आपकी पोजीशन है, फंस चुके हैं, प्लीज एक्यूमुलेट करिए 630 के अराउंड, और एक्यूमुलेट करिए 600 पे, फाइनल एक्यूमुलेशन है और टारगेट होगा 820, 860 और 900 रुपीज। ये तीन टारगेट आपके लिए स्क्रीन पे आते हुए देख सकते हैं इसी साल, या फिर पूरे एक साल अगर 12 महीने आप यहां से टाइम देते हैं तो ये टारगेट्स के लिए आपको होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से स्टॉक को। अब मैं अपना एक एक करके पहली लाइन वाइज नंबर वाइज पिक रखता हूं, तो पहली प्रेफर्ड पिक मेरी होगी आईसीआईसीआई बैंक, जो कि यहां से सबसे ज्यादा रिटर्न और सबसे जल्दी रिटर्न देने की दम रखती है। दूसरी प्रेफर्ड पिक होगी मेरी एचडीएफसी बैंक, क्योंकि वो स्टॉक काफी करेक्टेड है, वहां से आपको 1500 रुपीज के शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी टारगेट आ सकते हैं। थर्ड एक्सिस बैंक है, बट एक्सिस बैंक में आपको रिस्क कम है, एचडीएफसी में नेगेटिव ब्रेकडाउन है, तो एक्सिस बैंक भी आप चाहें तो बाय करके चल सकते हैं। तो एचडीएफसी और एक्सिस में मेरा दोनों मिला हुआ है, लेकिन आईसीआईसीआई मेरी टॉप पिक रहेगी इस टाइम। अगर आपके पास इन तीनों में कोई भी बैंक हो तो होल्ड करें, ऐसा ना हो शिफ्ट कर दें आप, होल्ड करें वही। अगर आप नई फ्रेश एंड लेना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक मेरी प्रेफर्ड पिक है। तो ये मेरी तीनों स्टॉक्स पे वीडियो, होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।